हेलो, नमस्कार दोस्तों। 27 दिसंबर 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की हमारी न्यूज़। पहली जो न्यूज़ आई है वही है जल जीवन मिशन के बारे में। तो हम जानते हैं कि जल जीवन मिशन है वो है क्या। देखो, इस मिशन की जो अनाउंसमेंट है वो अगस्त 2019 में की गई थी। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये रखा गया है कि हमारे देश में 2024 तक रूरल और शहरी, यानी कि जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे पानी की सप्लाई है, पीने के पानी की, वो अवेलेबल करवाई जा सके। 2024 तक हर घर में पानी पहुंचाना है। गवर्नमेंट को जो पाइपलाइन होती है पीने के पानी की, उसकी बात यहाँ पर फोकस की जा रही है। यानी कि हर घर में जल है या पानी है उसकी अवेलेबिलिटी के लिए यह मिशन है वो स्टार्ट किया गया है, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए। अब हम बात करें तो किस तरीके से गवर्नमेंट पानी पहुँचाएगी, तो देखो थोड़े पहले हम फैक्ट देखते हैं, फिर आपको ये आर्टिकल अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड की 16% जो पॉपुलेशन है वो अकेले इंडिया में है, बट हमारे पास अगर हम फ्रेश वाटर की बात करें तो हमारे पास केवल पूरे वर्ल्ड के 4% ही फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं। मतलब जनसंख्या है ज़्यादा और फ्रेश वाटर की रिसोर्सेज हैं कम। तो कहीं ना कहीं हमें जो हमारे पास जो भी पानी है, यानी 4% है, इसको हमें अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना होगा, ताकि हम जो 16% पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, इसको ढंग से पानी या टाइम पे पानी वो अवेलेबल करवा सकें। इसके लिए फोकस की चीज़ों पे किया जाएगा कि जैसे एक तो जो ग्राउंड वाटर को ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाता है उस चीज़ पे फोकस किया जाएगा। इसी के साथ ही क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इम्पेक्ट आ रहा है, पानी की क्वालिटी ख़राब होती जा रही है, इन जो चैलेंज हैं इनसे निपटने के लिए फोकस गवर्नमेंट यहाँ पे कर रही है। गवर्नमेंट का टारगेट ये रहेगा कि भाई सभी के घरों तक पानी पहुंचाना है, तो हम लोकल लेवल पे जो भी फैसिलिटी या जो भी हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है उनका यूज़ कर सकें। पहली बात तो यह कि ग्राउंड वाटर को हमें मिसयूज़ नहीं करना है, यानी कि ग्राउंड वाटर को कंजर्व पे फोकस करना है। यानी कि वाटर कंजर्वेशन की हम बात करें, जो कि ग्राउंड वाटर डिक्रीज होने का एक सबसे बड़ा आप बोल सकते हो कि इंपॉर्टेंट रीजन हो रहा है, उसकी तरफ गवर्नमेंट फोकस यहाँ पे कर रही है। इन पैरामीटर को गवर्नमेंट लेके ये मिशन है वो लेके आई है। अब अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट क्या करेगी, लोकल लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रिएट करने जा रही है, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग या फिर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना बारिश के मौसम में। इसी के साथ ही हाउस होल्ड का जो वेस्ट पानी है इसको वापस से रीयूज करना एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो इस तरीके से हम पानी को कंजर्व है वो कर सकते हैं और पानी की जो डिमांड है उससे भी हम मैनेज कर सकते हैं। इसी के साथ गवर्नमेंट है वो सेंट्रल और स्टेट दोनों ही लेवल पे स्कीम है वो लेके आएगी, ताकि सस्टेनेबल वाटर सप्लाई है और मैनेजमेंट है ऑल ओवर इंडिया में उसको सुनिश्चित किया जा सके। तो यानी कि रूरल एरिया में और शहरी एरिया में दोनों पे इस मिशन में फोकस किया जा रहा है कि पानी है वो हर जगह पहुँचाना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में। देखो, 25 दिसंबर को अटल बिहारी जो वाजपेयी हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, तो उसी दिन को गुड गवर्नेंस डे के तौर पे मनाया जाता है। ये इनिशिएटिव स्टार्ट होता 2014 में, यानी कि 2014 से ये स्टार्ट किया गया कि भाई हर साल 25 दिसंबर को हम गुड गवर्नेंस डे है वो मनाएंगे। ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया, तो अभी इसी बार है वो एक इंडेक्स जारी किया गया, गुड गवर्नेंस इंडेक्स। होगा क्या इस इंडेक्स में, इस इंडेक्स में हमारे देश में जितने भी स्टेट और यूटीज़ हैं उन्होंने गवर्नेंस को लेकर कितना अच्छा काम किया है। गवर्नेंस का मतलब गवर्नमेंट और जो आम जनता है इसके बीच में आप एक तरीके से बोल सकते हो कि कनेक्शन कैसा है, गवर्नमेंट वो कितना एक तरीके से डिस्टर्ब कर रही है, कोई भी स्कीम है उसका कितना अच्छा लाभ है वो आम जनता तक पहुँच पा रहा है, गवर्नेंस कितनी स्ट्रॉन्ग है, इन चीज़ों की तरफ बात यहाँ पर फोकस की जा रही है। अब हम कुछ यहाँ पे थोड़े वो देख लेते हैं कि किस तरीके से ये जो यहाँ पे गुड गवर्नेंस इंडेक्स है कैलकुलेट है वो किया जाएगा। देखो, मेनली जो गवर्नेंस है वो 10 सेक्टर को लेकर कंसिडर की जा रही है, जैसे एक तो एग्रीकल्चर और इसके अलाइड सेक्टर हो गया, इसी के साथ ही कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसी के साथ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, फिर हम बात आती है पब्लिक हेल्थ, फिर आती है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटी, फिर आती है इकोनॉमिक गवर्नेंस, फिर आती है यहाँ पे सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, उसके बाद में जस्टिस, सॉरी वो जुडिकल एंड पब्लिक सिक्योरिटी, इसी के बाद में आते हैं इन्वायरमेंट एंड सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। तो इन 10 जो सेक्टर हैं इनको लेके गवर्नेंस को मेजर है वो किया जाता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी रही है, जनता को कैसा बेनिफिट हो रहा है, किस तरीके से गवर्नमेंट काम है वो कर रही है। अब देखो, जो ये 10 गवर्नेंस के सेक्टर है ना, इनको फिर आगे लगभग 50 इंडिकेटर के बेसिस पे काउंट किया जाता है। तो इतना तो यूपीएससी नहीं पूछेगी, बट हमें मेनली ये पता होना चाहिए कि भाई 10 सेक्टर हैं, सारे सेक्टर भी याद नहीं हो तो एक मोटा मोटा आइडिया तो होना ही चाहिए। फिर क्या किया गया है कि हमारे देश में जो स्टेट है और यूटीज़ हैं इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो है कि सबसे बड़े स्टेट हैं, यानी कि जिनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और एरिया में बड़े हैं, उन स्टेट की बात की गई है। दूसरे नंबर पे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट और जो हिली स्टेट हैं उनको अलग रखा गया है। तीसरे नंबर पर जो यूनियन टेरेटरीज हैं उनको अलग रखा गया है। तो इस तरीके से 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड करके रैंकिंग जारी की गई है। अब अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो जो बड़े स्टेटों में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही है वो रही है तमिलनाडु की, इसके बाद में महाराष्ट्र की,
इसके बाद में कर्नाटका की। और अगर हम बात करें बड़े स्टेटों में सबसे बेकार परफॉर्मेंस है वो रही है यहाँ पे उड़ीसा, बिहार और गोवा की। इसके बाद में अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट स्टेट और जो हिली एरिया की, तो वहाँ पे नंबर वन पे रहा है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और त्रिपुरा। और बॉटम की अगर हम बात करें तो रहेगा मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। फिर अगर हम बात करें पौंडीचेरी के बारे में या यूनियन टेरेटरीज के बारे में, तो यूटी में पौंडीचेरी नंबर वन पर रहा है गवर्नेंस के एरिया में, उसके बाद में सेकेंड नंबर पर चंडीगढ़ रहा है और थर्ड नंबर पर दिल्ली रही है। लक्षद्वीप है उसको बॉटम में स्थान मिला है, मतलब लक्षद्वीप की जो रैंकिंग है गुड गवर्नेंस इंडेक्स में वो सबसे वर्स्ट है, वो बेकार है, वो रही है यूटी के मामले में। अगर हम बात करें इकोनॉमिक गवर्नेंस कि भाई इकोनॉमी को लेकर गवर्नेंस कैसी रही है, तो कर्नाटका नंबर वन पे रहा है और हेल्थ के एरिया में केरल है वो नंबर वन पे रहा है। तो आप एक तो ये दो ये ध्यान रखना, इकोनॉमिक और हेल्थ के एरिया में कौन ऊपर रहा है, और बड़े स्टेटों में तमिलनाडु है वो अच्छा रहा है। बस ये एक दो इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेंगी, तो अगर यूपी से ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन भी पूछती है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो यहाँ पे है बार हेडेड घोस्ट के बारे में। देखो ये एक पक्षी है माइग्रेटरी, कहाँ का है ये, इसका जो ओरिजिन है वो अगर बात करें तो सेंट्रल चाइना का, मतलब सेंट्रल चाइना और जो मंगोलिया वाला रीजन है वहाँ पे ये पक्षी मेनली पाया जाता है। बट होता क्या है कि विंटर सीजन में ये पक्षी माइग्रेट करके इंडिया का जो सबकॉन्टिनेंट वाला हिस्सा है, मतलब इंडियन प्रायद्वीप वाले हिस्से में आ जाता है और सर्दियों के एंड तक रहता है, फिर वापस माइग्रेट करके सेंट्रल चाइना और मंगोलिया वाले रीजन में चला जाता है। तो ये आप ध्यान में रखना। ये बार हेडेड जो घूस है इसका दूसरा नाम है वो है यहाँ पे एंसर इंडिकस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो सबसे हाइट पे उड़ने वाले पक्षी हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ने वाले पक्षी हैं, उनमें एक है, यानी कि जो सबसे ऊंची हाइट पे उड़ रहे हैं पक्षी उनमें ये भी एक पक्षी है जो कि सबसे ऊंची हाइट पे उड़ रहा है। न्यूज़ देखो अभी यह है कि जो बार हेडेड घोस है ना, इसको अभी केरला का एक जो है वेटलैंड है जिसका नाम है यहाँ पे करिंगली पुंचा, वहाँ पे देखा गया है कि भाई ये वहाँ पे मतलब देखा गया, इसका मतलब ये पक्षी वहाँ तक भी पहुँचा है, उसी को लेकर न्यूज़ यहाँ पे आई है। अगर बात करें तो IUCN की लिस्ट कंसर्न लिस्ट में इसको शामिल है वो किया गया है। अब देखो एक तो UPSC ये पूछ सकते हैं कि भाई कहाँ का ये पक्षी है, मतलब नेटिव स्पीसीज कहाँ की है, तो ये है सेंट्रल चाइना और मंगोलिया वाले रीजन से। इसी के साथ एक पक्षी और है ऐसा जिसका नाम है अमूर फाल्कन, तो उसी को लेकर भी न्यूज़ है वो आई है। देखो अमूर फाल्कन है वो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा ट्रेवलिंग करने वाला एक पक्षी है, यानी कि यह लगभग एक साल में या एक सीज़न में लगभग 22,000 किलोमीटर के आसपास ट्रेवल है वो करता है, या फिर माइग्रेटरी इसका रूट है। एवन स्पीसीज मतलब उड़ने वाले पक्षी या उड़ने वाली जो स्पीसीज होती हैं उनको कहा जाता है। और ये जो पक्षी है ये मेनली बात हम करें तो साइबेरिया और नॉर्थ चाइना वाले हिस्से में पाया जाता है। होता क्या है, जो ही सर्दियाँ स्टार्ट होती है तो वहाँ पर तो इनको शिकार मिलना बंद हो जाता है, क्योंकि ये एक शिकारी पक्षी है अमूर फाल्कन। तो ये क्या करता है, मंगोलिया के रास्ते होते हुए जो साउथर्न अफ्रीका है और इसी के साथ इंडियन ओशियन है, इस वाले रीजन में आ जाता है, मतलब इंडिया वाले हिस्से में और अफ्रीका तक यह पहुँच है वो जाता है। अगर इंडिया में इसका जो बेस्ट डेस्टिनेशन है वो है मेनली नागालैंड, कि नागालैंड में यह पक्षी वो काफ़ी बार देखा जाता है, मतलब वहाँ पर काफ़ी बार क्या बहुत बड़ी तादाद में विंटर सीजन में यह पक्षी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। देखो इम्पोर्टेंट चीज़ जैसे ही ध्यान रखनी है कि एक तो ये शिकारी पक्षी है, मतलब कि शिकार करता है, इसी के साथ सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट या हम बात करें कि सबसे ज़्यादा ट्रेवलिंग करने वाला है पक्षी है, लगभग 22,000 किलोमीटर की ये ट्रेवलिंग है वो करता है पूरे साल भर में एक सीजन में। अगर हम बात करें तो ये जो पक्षी है वो नागालैंड की एक झील है, लेक है, जिसका नाम है यहाँ पे डोयांग लेक। तो डोयांग लेक में आ जाता है विंटर सीजन में, इसके बाद में यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन ओवर लगातार रेपिडली बढ़ जाती है, और वहाँ पे नागालैंड को इसी वजह से फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो UPSC ये भी पूछ सकती है कि फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है वो किसे कहा जाता है, तो यह है नागालैंड। और अगर हम बात करें IUCN की प्रोटेक्शन को लेके, तो उसे लिस्ट कंसर्न लिस्ट में शामिल है वो किया गया है, कुछ इस तरीके का देखने को दिखता है। अब हम देखते हैं आज हमने कौन कौन सी न्यूज़ है वो डिस्कस की है। सबसे पहले हमने जल जीवन मिशन के बारे में जाना, इसी के साथ हमने यहाँ पे गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने यहाँ पे डिस्कस किया जो बार हेडेड घोस पक्षी है इसके बारे में न्यूज़ कवर की, और लास्ट में हमने अमूर फाल्कन पक्षी के बारे में न्यूज़ है वो कवर की। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू मच फॉर डिस्कशन।